C7 न्यूज के इस भाग के प्रायोजक हैं साहिल होंडा। साहिल होंडा में आपका स्वागत है। सागर शहर का सबसे बड़ा टू व्हीलर मोटरबाइक शोरूम आपकी सेवा में तत्पर। एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ लें सुखद टेस्ट ड्राइव का आनंद। एक्सचेंज फैसिलिटी, ले आइए कोई भी पुरानी गाड़ी और ले जाइए न्यू ब्रांड होंडा। होंडा शाइन, होंडा क्लिक, होंडा एक्टिवा, होंडा एक्स ब्लेड। पेमेंट कैश या बैंक फाइनेंस सुविधा के लिए चुने मन चाहा बैंक। इंश्योरेंस सर्विसेज, इजी पेपर वर्क और गाड़ी आप। अब आप चलाएं गाड़ी और हम रखेंगे आपकी गाड़ी का खर्च। और इतना ही नहीं, अब आप इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आपके नजदीकी साहिल होंडा शोरूम सेंटर में। सागर, कुरई, बीना, कड़ाकोटा, बंडा, बांदरी, रहली, और झामर, देवरी, राहतगढ़, शाहगढ़, यानी पूरे मध्य प्रदेश में हम आपकी सेवा में तत्पर, क्योंकि हम हैं साहिल होंडा। साहिल होंडा, भगवानगंज, सागर। सागर श्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागर श्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागर श्री मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अधिकृत एकमात्र हॉस्पिटल। सन 2018 और समय था विधानसभा चुनाव का, और जमीन थी सुर्खी विधानसभा की, और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे गोविंद सिंह राजपूत। इस चुनाव में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे तो इन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त नकल उतारकर जनता को लोटपोट कर दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा चेहरा थे। आइए नजर डालते हैं 2018 में विधानसभा सुर्खी की इस सभा पर। भाई और बहनों, बताइए पेट्रोल के दाम घटने चाहिए या नहीं, डीजल के दाम घटने चाहिए या नहीं, रसोई गैस के दाम घटने चाहिए, खाद का दाम घटना चाहिए या नहीं। आज 5 साल बाद क्या स्थिति है? नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ क्या हाल। मोदी जी ने कहा था मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। बुलेट ट्रेन तो नहीं आई, लेकिन बुलेट की तरह पेट्रोल और डीजल का दाम, डीजल का दाम 55 से 75, पेट्रोल का दाम 60 रुपया से सचिन तेंदुलकर का। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राजपूत के समर्थन में जनता को कांग्रेस के पाले में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त नकल उतारी थी, और यही सुर्खी की जनता ने तालियां बजाई थी। अब समय बदल गया, गोविंद राजपूत ने कांग्रेस छोड़ दी, भाजपा में चले गए, और अब फिर से सुर्खी की जमीन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया गोविंद राजपूत के पक्ष में वोट मांगने आ रहे हैं, यानी सिंधिया महाराज भी पाला बदलकर भाजपा में शामिल हैं। लेकिन सिंधिया महाराज के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति है। वो सोच रहे हैं कि अब इस बार कांग्रेस के किस बड़े नेता की नकल उतारी जाए ताकि जनता तालियां बजाने में देर ना करे। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। जी हाँ, तभी तो पहुंचेगी हर खबर आप तक।